स्टार प्लांट्स और क्रिप्टेरिथम्स प्लांट एक बहुत ही सुंदर और डेकोरेटिव प्लांट है। देखने में ये बहुत ही सुंदर है। एस्टर प्लांट रेड, पिंक, ग्रीन, व्हाइट कलर में होते हैं। देखिए मेरी ये प्लांट पिंक कलर का है। पहले बहुत ही डार्क पिंक कलर का था, अब थोड़ी से लाइट ग्रीन कलर का हो रहे हैं क्योंकि बीच में मैं इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख दिया था, तो ये कलर थोड़ी सी लाइट ग्रीन कलर हो गए हैं। ये प्लांट ज़्यादा धूप की वजह से या लाइट की वजह से अपने कलर चेंज कर लेते हैं। एस्टर प्लांट अपने जीवन में एक बार ही फ्लावरिंग करते हैं और इस फ्लावर का फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छे होते हैं। फ्लावरिंग के बाद ये प्लांट धीरे धीरे मर जाते हैं, बट बहुत सारी बेबी पफ्स दे जाते हैं। ये प्लांट 2 फीट तक बढ़ जाते हैं। तो मेरी आज का ये वीडियो है इस प्लांट के केयर के ऊपर। तो पहले बोलती हूँ सनलाइट के बारे में। एस्टर प्लांट डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं करते। डायरेक्ट सनलाइट से प्लांट के लीफ जल जाते हैं और प्लांट की कलर भी खराब हो जाते हैं। एस्टर प्लांट को आप इनडायरेक्ट सनलाइट पे प्लेस करना, किसी विंडो के सामने प्लेस नहीं करना, क्योंकि विंडो के सामने प्लेस करने से लाइट का हीट प्लांट को ख़राब कर देते हैं। ह्यूमिडिटी, अर्थ स्टार प्लांट ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है, सो आप ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना। कुछ प्लांट्स के साथ ये प्लांट को प्लेस करना, क्योंकि कुछ प्लांट के साथ इसको प्लेस करने से दूसरे प्लांट से ये ह्यूमिडिटी कलेक्ट कर लेते हैं। पिंक स्टार प्लांट फ्रीजिंग विंटर टेम्परेचर सहन नहीं कर पाते, तो आप उस टाइम में थोड़ी सी ध्यान रखना। वाटरिंग, समर में आप सोयल चेक करके फ्रीक्वेंटली वाटरिंग करना, बट विंटर में वाटर बहुत ही ध्यान से अब देना, क्योंकि उस टाइम में ये प्लांट ज़्यादा वाटर नहीं मांगते। और जब भी आप वाटरिंग करोगे प्लांट के ऊपर और लीव्स के ऊपर वाटर नहीं देना, गमले की ऊपर साइड में से आप पानी देना, सोयल में सोयल के ऊपर आप पानी देना, प्लांट के ऊपर आप पानी नहीं देना। इससे लीव्स के ऊपर इससे लीव्स क्या होते ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर फंगल ग्रो हो जाते हैं और लीव्स ख़राब हो जाते हैं। अब बोलती हूँ फर्टिलाइज़र के बारे में। आप स्प्रिंग में लिक्विड फर्टिलाइज़र देना स्टार प्लांट को। ये प्लांट ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं मांगते, सो स्प्रिंग में ही आप लिक्विड फर्टिलाइज करना। सोयल, पोरस मॉइस्ट सोयल अर्थ स्टार प्लांट को पसंद है, और मिट्टी ड्रेनेज वाली हो इस बात का आप ध्यान रखना, क्योंकि ड्रेनेज वाली मिट्टी ना होने से स्टार प्लांट का रूट खराब हो जाते हैं, रूट रोस हो जाते हैं। इसलिए आप जब भी इस प्लांट का सोयल मिक्स बनाओगे ड्रेनेज वाली सोयल मिक्स बनाना। रिपोर्टिंग, अर्थ स्टार प्लांट स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इसलिए ज़्यादा रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं होती। मेंटेनेंस एंड ग्रूमिंग, स्टार प्लांट को ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होते, क्योंकि इसके लीफ से ये धीरे धीरे बढ़ जाते हैं, सो ग्रूमिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आप डेड लीव्स और डेड फ्लावर को रिमूव कर देना, इससे ही ये प्लांट हेल्दी रहेगा। प्रोपोगेशन, मदर प्लांट जब फ्लावरिंग के बाद धीरे धीरे मर जाते हैं उस टाइम में बहुत सारे बेबी पप्स आते हैं। ये बेबी पप्स को आप आराम से प्रोपोगेट कर सकते हो, और बहुत सारी प्लांट न्यू प्लांट बेबी प्लांट आपको मिल जाएगा, ये आराम से गमले में आप लगा सकते हो। पॉट सिलेक्शन,
अर्थ स्टार प्लांट को आप ज़्यादा बड़े गमलों में मत लगाना, इससे प्लांट खराब हो जाते हैं। प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही पॉट सिलेक्ट करना, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े गमले में ये प्लांट की रूट गल जाते हैं, क्योंकि इसके नीचे से वाटर जम जाते हैं और बहुत दिन लगते हैं ये सोयल ड्राई होने में। सो आप छोटी सी गमला सिलेक्ट करना, और नहीं तो पॉट प्लांट के साइज़ के हिसाब से ही आप पॉट सिलेक्ट करना। डिजीजेस, अर्थ स्टार प्लांट को कोई डिजीजेस और कोई पेस्ट अटैक नहीं होते, ये प्लांट वाटरिंग से ही खराब हो जाते हैं, इसलिए आप वाटर का ध्यान रखना। जब भी वाटरिंग करोगे सोयल को फिंगर टिप मेथड का आप यूज़ करना, सोयल को चेक करके फिर आप वाटरिंग करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।